हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगी इन प्लांटों के बारे में। देखिए, अभी कल हमारे यहाँ बारिश हुई थी, तो ये सारे प्लांट देखिए कितने अच्छे हरे हरे हो रखे हैं। और जो बारिश होती है ये तो इनके लिए एक वरदान होती है हमारे पेड़ पौधों के लिए, और एक नेचुरल पानी मिलता है इनको। और देखिए ये फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। मगर और भी अच्छी बनाने के लिए मैं आज आपको एक टिप्स बताऊंगी कि ये देखिए, ये तो थोड़ा सा फ्लावर सही मतलब खिला है, और ये वाला देखिए, ये इसके बस एक ही पैटर्न आया है ना। तो ये इस टाइम इसकी हमने थोड़ी सी एक तो प्रूनिंग करनी है, क्योंकि अब बरसात शुरू हो गई है और बरसात में हम किसी भी प्लांट की प्रूनिंग करके लगा सकते हैं। और हमने अगर इनमें अच्छी और भी गजीन फ्लावर चाहिए तो इसके अंदर हमने और क्या डालना है वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो इस प्लांट को मैं पहले नीचे उतार लेती हूँ। देखिए, इस प्लांट को मैंने यहाँ पर नीचे उतार लिया है, और ये देखिए ये जो फ्लावर है, तो देखिए इसमें आपने करना क्या है, एक तो आपने इसकी प्रूनिंग करनी है अभी बरसात के टाइम पे, ठीक है। और ये देखिए, ये है बनाना पील्स का पाउडर, आपने ये इतना लेना है और इस तरीके से ऐसे करके आपने इसमें डाल देना है, मतलब 2-3 चम्मच के हिसाब से, ठीक है। ये डाल दिया, और आप ये किसी भी जो फ्लावर वाले प्लांट है आप उसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, हम बनाना तो खाते ही हैं और उसका हम क्या करते हैं, छिलके फेंक देते हैं। तो हमने बस ये छिलके जो हैं उसको हमने धूप में सुखाने हैं, और इसके 2-3 चम्मच हमने इसमें ऐसे डाल देना है। और दूसरी चीज़ ये बताती हूँ कि ये है एलम, जिसको फिटकरी भी कहते हैं। देखिए ये इस तरीके की होती है ना। तो ये जो हमारे प्लांट होते हैं ना, रोज प्लांट या जैसे और भी प्लांट है कई प्लांट, तो उनको जो सॉयल है एसिडिक चाहिए होती है ना। और जो सॉयल है एक तो इस तरह से होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, जिससे पानी इसमें रुके ना और अच्छी इसमें धूप भी लग सके है। और इसके अंदर ये जो एलम है हमने इसका पानी डालना होता है। ये हम जो एलम है, जैसे पानी होता है उसके अंदर हम ये एक मतलब 20 लीटर पानी में हम ये एक जो है पूरा एलम का, ये 10 रुपए का मिलता है, और आप इसको उसमें डाल सकते हैं। और फिर वो पानी जो होता है, एक एक मग्गा आपने सारे जो फ्लावर वाले प्लांट हैं उसमें डालना है, और खासकर ये जो रोज प्लांट होते हैं। तो उससे क्या होगा, ये जो फ्लावर है ना हमारे, ये बहुत अच्छे से खिल के आते हैं, गजीन आते हैं, और ये बनाना जो पील्स का पाउडर आएगा पाउडर, उसका से जो फ्लावर है वो एकदम गजीन आते हैं, उनका कलर अच्छा आता है। और अब जैसे बरसात हमारी शुरू हो गई है, तो बरसात में इन प्लांटों में कीड़े लगने का बहुत डर होता है। ये हिबिस्कस प्लांट देखिए इसमें और इनमें, तो आपने क्या करना है, ये जो एक्सेल्स का पाउडर है देखिए ये में डाल सकते हैं, देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे जो प्लांट है उसमें कोई कीड़ा भी नहीं लगता है ना, और चींटी जो है वो भी नहीं आएंगी, और कीड़ा लगने का भी कोई डर नहीं होता। तो आप देखिए, हम इस तरह से छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के और अपने किचन से ही अपने गार्डन को बहुत अच्छा महका सकते हैं, और अपने प्लांटों में अच्छी फ्लावरिंग ला सकते हैं। और ये देखिए जो एलम है, ये एलम का हम पानी भी लगा सकते हैं, और हम एलम को इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से लगा दिया, और जैसे हम पानी डालते रहेंगे तो ये घुलती रहेगी, और ये जो सॉइल है वो एसिडिक रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मैंने थोड़ी सी ये जानकारी दी है कि हम अपने प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग कैसे ला सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को इस तरीके से देखते रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।